हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एन एस नॉलेज पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ है इधर कुछ सालों में, उसके बारे में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि बिहार का अर्थव्यवस्था किन मायने में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है, एक ऊर्जा का एक स्रोत है और किसी भी देश का या राज्य का डेवलपमेंट जो है वहाँ पे कितना ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है उस पे डिपेंड करता है और कितना ऊर्जा वहाँ पे अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि बिहार किस तरह से प्रोग्रेस किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो पहले जो था, अगर हम लोग 2012-13 की बात करें तो उस समय 118 किलोवाट पर आवर था। उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते चला गया और अभी जो है 2015-16 में 144 किलोवाट आवर था और 2016-17 में और इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और अभी जो 2016-17 की आंकड़ा देखें तो उसमें है 258 किलोवाट पर आवर। तो इतना अभी हमारा 2016-17 में पर कैपिटा कंजम्पशन है, मतलब हर एक आदमी पे इतना ऊर्जा उपलब्ध है। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, 118 किलोवाट पर आवर से लेकर अभी 258 किलोवाट पर आवर तक पहुंच गया है। अगर इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया में अगर 2015-16 की बात करें तो उसमें 927 किलोवाट पर आवर था पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और अगर हम लोग 2016-17 का नया आंकड़ा को देखें तो अभी जो है 1122 किलोवाट पर आवर है। मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पर कैपिटा है उसके तुलना में बिहार का जो कंजम्पशन है बहुत कम है, बहुत कम अवेलेबिलिटी है। अगर हम लोग देखें तो बिहार में जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें से 86% जो एनर्जी निकलती है, जो मिलती है, वो है थर्मल पावर स्टेशन से मिलता है। 3.9% यानी लगभग 4% के आसपास रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी मिलता है और 9% है जो कि जल विद्युत से निकलता है यानी हाइड्रल पावर प्लांट से होता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे जो अभी जस्ट आया है 2016-17 की बात करें तो उसमें जो ऊर्जा का सेक्टर उसमें दिखलाया गया है कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अभी जो है बिहार में जो ऊर्जा उपलब्धता है वो 3769 मेगावाट है। इसके अलावा देखें तो बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में और भी कई सारे चैलेंजेज भी है, जैसे कि ट्रांसमिशन को लेकर बहुत सारे चैलेंजेज है क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारा जो एनर्जी है, बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक पावर है वो बीच में नष्ट हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत है और भी सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है उसकी ज़रूरत है, और नीतीश कुमार का जो रिजॉल्व है हर घर बिजली लगाता वो भी अभी तक पूरी तरह से इस पर लागू नहीं किया गया है, तो ऑन द प्रोसेस है और इस पर चल रहा है। अगर हम लोग दूसरा पैरामीटर में देखें तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था 2015-16 में जो ग्रोथ रेट था वो 7.5% था और ये अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखें 2016-17 अभी जो जस्ट पब्लिश हुआ है तो उसमें ग्रोथ रेट जो है 10.3% बताया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर देखें तो 10.3% यानी पिछले साल की तुलना में जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें यानी GDP की बात करें, GDP अगर स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पे कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस पर होता है। कांस्टेंट प्राइस पर जो GDP है वो है 3.32 लाख करोड़ और उसके आधार पे अगर पर कैपिटा देखें इनकम यानी पर व्यक्ति का जो इनकम अगर उस कैलकुलेट किया जाए तो 29,178 रुपया होता है, 29,178 रुपया। लेकिन अगर हम लोग GSDP करेंट प्राइस पर देखें तो करेंट प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो करेंट प्राइस ही मेन याद रखने का चीज़ है। करेंट प्राइस पर देखें तो अभी जो हमारा है वो हमारा GSDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का, बिहार स्टेट का, वो है 4.38 लाख करोड़। पिछले साल की तुलना में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पिछले साल था 3.43 लाख करोड़। और इस आधार पर देखें तो पर कैपिटा इनकम उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और पर कैपिटा इनकम जो है 38,546 रुपीज़ है। ये हमारा सारा इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है। बजट में देखें तो इस बार का जो बजट है वो 1.76 लाख यानी लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट इस बार बनाया गया है। इसके पहले का जो बजट था वो था 1.67 लाख करोड़ का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा GSDP यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो काफ़ी इसमें ग्रो हुआ है। इसमें कुछ चैलेंजेज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि
अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है, मतलब पैसे कुछ लोगों के पास ही कंसंट्रेटेड है। पर कैपिटा इनकम जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों का बिल्कुल कम है, तो पर कैपिटा इनकम का भी गैप है बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार में, अच्छा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हुए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है बिहार में। तो ये सारे चैलेंजेज हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान करती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिहार गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी बढ़ा है। अभी जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइजेशन किया जा रहा है, मशीनीकरण किया जा रहा है। सीड क्वालिटी है उसको सस्ता और सब्सिडी में एक अच्छा सीड क्वालिटी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2013-14 का अगर डाटा देखें तो उस डाटा के अनुसार 157 लाख टन जो हमारा फूड ग्रेन उपजाया गया था, 2016-17 में ये बढ़कर 185 लाख टन हो गया। तो फूड ग्रेन भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। पहला एग्रीकल्चर रोडमैप देखें तो 2007-12 था, दूसरा एग्रीकल्चर रोडमैप 2012-17 था, और तीसरा एग्रीकल्चर जो रोडमैप है वो 2017-2022 यानी अभी ये चल रही है। तो एग्रीकल्चर जो रोडमैप है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। अगर इरिगेशन की बात करें तो बिहार में इरिगेशन जो है यानी सिंचाई का जो सुविधा है उसका जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, 117 लाख हेक्टेयर में है, मतलब वहाँ तक सिंचाई का व्यवस्था पहुँचाया जा सकता है। लेकिन अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा 69 लाख हेक्टेयर जो है इतना एरिया को सिंचित करने लायक बिहार गवर्नमेंट इसको बना चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें पूरी तरह से इसका यूटिलाइज नहीं होता है और अभी जो है मात्र 56.7 लाख हेक्टेयर जो है अभी यहाँ तक जो प्रॉपर इरिगेशन प्रॉपर सिंचाई की सुविधा यहाँ पर तक पहुँच गई है। प्रोडक्टिविटी देखें तो 2017 में 27.77 क्विंटल फूड ग्रेन्स पर हेक्टेयर था, और इस तरह से कहें तो फूड ग्रेन में भी जो पर हेक्टेयर है यानी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। चैलेंजेस देखें तो इरिगेशन फैसिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो हाई यील्डिंग वैरायटी का जो सीड है यानी जो बीज है अच्छी क्वालिटी का उसको और ज़्यादा मुहैया कराने की ज़रूरत है सब्सिडी पे, फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है और सब्सिडी और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्टर में देखें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो बिहार जो है उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2014-15 में लगभग 2.26 लाख किलोमीटर इसका रेंज था जो बिहार में जो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया था। रोड डेंसिटी की बात करें तो रोड डेंसिटी बिहार में अभी है 218.8 किलोमीटर, और ये 218.8 किलोमीटर जो है ये 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, मतलब जो रोड डेंसिटी है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 218.8 किलोमीटर का रोड डेंसिटी है। उसके अलावा बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, स्टेट हाईवेज भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और विजन 2020 के अनुसार बोला जा रहा है जो बिहार सरकार के द्वारा कि जो टोटल जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको फुल्ली एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी हर जगह तक इसका पहुंच जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जैसे इम्प्रूवमेंट होगा तो उस वजह से जो टोटल जो है मार्केटिंग का सुविधा बढ़ जाएगी और मार्केट का अप्रोच बढ़ जाएगा। इस वजह से कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास कर रही है, किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, और बिहार की अर्थव्यवस्था में ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।